नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा आयोजित ललित कला महोत्सव के अंतर्गत राय बहादुर राम नारायण लाल एवं हर नारायण लाल के स्मृति में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के परिसर में ललित कला चित्रकला एवं रंगोली महोत्सव के तीसरे दिन शहर के विभिन्न कॉलेजों से आए हुए छात्र और छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में अपने हुनर का प्रदर्शन किया। सीनियर जूनियर और विशिष्ट वर्ग के कुल 1911 छात्रों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, जिसके संबंध में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ओपी सिंह ने बताया कि भावों की अभिव्यक्ति ही चित्रकला है। चित्रकला के माध्यम से व्यक्ति जीवन के अलग अलग पहलुओं को छूने का कार्य करता है। सृजनात्मकता जिस व्यक्ति के अंदर होती है वही असली कलाकार होता है। इस प्रतियोगिता में हजारों की संख्या में प्रतिभागी प्रतिभाग किए हैं। चित्रकला के साथ ही रंगोली की प्रतियोगिता भी हुई है। उन्होंने कहा कि व्यापकता बढ़ने से दिन कम पड़ जा रहा है, लेकिन आने वाले सत्रों में एक हफ्ते का करना होगा। इस अवसर पर सुनील गुप्ता, दिलीप पांडे, संजय मोहन त्रिपाठी, ओम प्रकाश मिश्रा, विजय श्रीवास्तव, सत्य प्रकाश मिश्रा, एमएम गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ओपी सिंह ने कहा, जो भी हमारे सम्मानित थोड़ा सा तो हट जाओ सीनरी से। बुलाई बच्चों और आ जाते हैं, दिखाई बना लीजिए बढ़िया। ये आज चार प्रकार की प्रतियोगिताएं चल रही हैं कॉलेज में ललित कला महोत्सव के अंतर्गत। जो मुख्य प्रतियोगिता है वो चित्रकला प्रतियोगिता है, जो विगत चार दशकों से होती चली आ रही है। आज से लगभग 42 वर्ष पहले एक वट बीज रोपित किया इस कॉलेज के एक प्रवक्ता डॉक्टर हरशंकर श्रीवास्तव ने, और धीरे धीरे उसको हम लोग इतना आगे ले गए कि आज वह वटवृक्ष जैसा लग रहा है। बहुत सारे प्रतिभागी हजारों की संख्या में प्रतिभाग किए हैं, साथ ही रंगोली प्रतियोगिता भी हुई है, स्वरचित काव्य पाठ भी चल रहा है। ये जो सबसे यूँ कहिए कि बौद्धिक प्रतियोगिता है बेहद, जिसको क्विज कहते हैं, ये क्विज प्रतियोगिता कई राउंड से होकर गुजरी है। पहले स्क्रीनिंग राउंड हुआ है, फिर सेमीफाइनल हुआ है, फिर फाइनल प्रतियोगिता आज वो हुई है। डिग्री कॉलेज में आज पुरातन छात्र सम्मेलन है, जिसमें बहुत सारे MGPG कॉलेज के प्रोडक्ट्स जो विगत 30 वर्ष पहले 35 वर्ष पहले यहाँ विद्यार्थी हुआ करते थे, आज प्रोफेसर्स और ऊँचे पदों पर हैं, आसीन हैं। वो कुछ तो विदेश से भी आए हुए हैं। वो डिग्री कॉलेज में यह प्रतियोगिता चल रही है। यह ललित कला महोत्सव हमारा चार दिन का चल रहा है, आज तीसरा दिन है, कल समापन है। समापन के अवसर पर ही सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। आज के इस चित्रकला के जो प्रतियोगिता के जो मुख्य अतिथि रहे हैं वो हमारे डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी जी, जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड आयोग के सम्मानित सदस्य रहे हैं। संप्रति वो लेडी प्रसन्न कौर इंटर कॉलेज बस्टीला के प्रिंसिपल हैं, और अध्यक्षता किया है
MSI इंटर कॉलेज के बड़े ही ओजस्वी प्रधानाचार्य श्री जफर अहमद खान साहब। यह प्रतियोगिता इन बच्चों में रचनात्मक उनका जो उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको उकेरने में उभारने में विशेष इसका योगदान है। हम लोग प्रयासरत हैं कि सारी प्रतियोगिताएँ ठीक से संपन्न हो जाए। अभी विज्ञान प्रतियोगिता हमारी हो रही है जिसमें 56 विद्यालयों के प्रतिभागी वो किए हैं पार्टिसिपेट किए हैं जिसमें लगभग 300 वो मॉडल्स आए हुए हैं 56 विद्यालयों से। तो ये प्रतियोगिता हम हर साल कराते हैं, इस बार तो 4 ही दिन का रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि व्यापकता इतनी अधिक बढ़ती जा रही है कि आने वाले सत्रों में हमको इसको 5 से 6 दिन का करना होगा।